कर दोस्तों। तो आइए आज जानेंगे वोल्वो 500 इंजन ब्रेक वाइपर एंड लेफ्ट राइट एंड हेड डिम लीवर का पूरा सिस्टम। तो ये आप लोग देख रहे हैं, मैं बनाया हूँ। तो मैं ये एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा कि इसमें हम लोग का कैसे से कैसे सिस्टम है, कैसे कैसे हम लोग को इसको यूज करना है और कैसे यूज नहीं करना है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मैं काफ़ी तरीक़े से आप लोगों को बता दिया हूँ। आप लोगों को डिस्प्ले में भी फ़ोटो पूरा दिखाऊंगा, जो आप लोग उसमें मैच करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये कॉपी में बनाया हूँ, एक कॉपी में। तो आप डिस्प्ले में उसका फ़ोटो भी दे दूंगा, तो आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ जानकारी रहना, खास करके जो नया है, जो नया चलाने जा रहा है जो बल्ब को, या चलाने वाले हैं, या फिर चलाना सीखना है उसको, तो ये सब जानकारी रखना उसको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे ये स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है स्टीयरिंग व्हील, इसको कहते हैं स्टीयरिंग व्हील, लिख दिया हूँ। तो इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया। तो आइए लेफ़्ट साइड का जो स्टीयरिंग का लेफ़्ट साइड में है जो लीवर, उसके बारे में जानेंगे। तो इसको हम लोग का आगे पीछे होता है, ऊपर नीचे होता है। तो आगे पीछे करेंगे, आगे करेंगे तो राइट साइड का इंडिकेटर जलेगा, और पीछे करेंगे तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर। ये हम लोग को लेफ़्ट राइट जाने के लिए आगे पीछे कर सकते हैं। राइट करेंगे तो राइट साइड, मतलब आगे करेंगे तो राइट साइड, पीछे करेंगे इधर अपने ओर खींचेंगे तो लेफ़्ट साइड, और अगर ऊपर करेंगे तो हेड होगा, फिर नीचे करेंगे तो डिम हो जाएगा। हेड डिम इसको कर सकते हैं, हेडलाइट को ऊपर नीचे, हेड डिम आगे पीछे राइट लेफ्ट इंडिकेटर। तो ये हो गया। अब तो अब ड्राइवर है तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये नया जो अभी बल्बों को बारे में जानना चाहते हैं उसके लिए खास कर ये है। तो आइए राइट साइड में देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वाइपर के बारे में बता दूंगा। वाइपर को भी हम लोग इधर ही टानेंगे, इधर ही टानेंगे, इधर टानेंगे तो वाइपर चलने लगेगा। लेकिन इसमें भी हम लोग का एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो ये सब को हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो ये सब को यूज करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक ट्यूनिंग टाइप का एक रबड़ में दिया है। तो इसमें हम लोग को स्टेप बाय स्टेप घुमाना है, एक नंबर में रखना है कि दो नंबर में रखना है कि तीन नंबर में रखना है। एक नंबर में रखना है तो धीरे, मतलब लेट लेट से ऐसे चलेगा, दो नंबर में थोड़ा सा स्पीड चलेगा ऐसे ऐसे, और तीन नंबर में चलते रहेगा ऐसे। ये हो गया, आपको इधर टान देना है, आपका वाइपर चलते रहेगा। लेकिन ये स्पीड के लिए है, एक दो तीन स्पीड के लिए, वाइपर को कितना स्पीड में आपको चाहिए। लेकिन वाइपर को चलाने के लिए आपको अपने और इधर इधर खींचना है इसको, और अगर इसको ऊपर ऊपर की ओर ऐसे उठाएंगे तो वाइपर ब्लेड में आपका पानी आने लगेगा, बीडी स्क्रीन में, तो आप पानी मार सकते हैं, पानी मार के ग्लास को साफ कर सकते हैं। और अगर एक ही बार आपको चलाना है वाइपर, तो आगे तरफ ऐसे ढकेल दीजिए, आगे की ओर ढकेल दीजिए, एक बार चलेगा ऐसे। ये हो गया आपका वाइपर का सिस्टम चलाने का। तो आइए इंजन ब्रेक के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये इंजन ब्रेक है हम लोग का, जो पाँच गो है, पाँच इंजन ब्रेक है, जो काफ़ी बहुत अच्छा है। आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीक़े से चलाएंगे तो, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक में डाल देंगे, आगे तरफ की ओर डालोगे, आगे तरफ की ओर मतलब दबाओगे, आगे मतलब आगे की ओर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक में आ जाएगा, और इधर स्टेप बाय स्टेप आपका तीन तक आएगा, एक दो तीन, इसमें ऑफ। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हैं। इस पर भी आपका परसेंटेज है, 22%, 44%, 66%, और इसमें 80%। तो इसमें ही गाड़ी को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, क्योंकि इतना 80% तो आपका गाड़ी स्लो हो जाएगा, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ब्रेक मारने का। तो इसीलिए इंजन ब्रेक के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ अच्छी तरह से, तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे।